नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन रहने का स्वास्थ्य विभाग ने दिया आदेश। रांची में पॉजिटिव केस आने के बाद मचा हड़कंप। लॉकडाउन में सब्जियों की हो रही होम डिलीवरी, ऑल सीजन फार्म फ्रेश को विदेश से भी आ रहे कॉल। और त्योहारों में पड़ रहा कोरोना का असर, रामनवमी के झंडों की बिक्री में आई भारी कमी। खबरें अब विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले क्वारंटाइन की। आपको बता दें, जाकिर नगर रोड नंबर 2 में बाहर से आए कुछ लोगों के एक घर में रहने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम वहां पहुंची और जांच पड़ताल कर सभी को होम क्वारंटाइन करने को कहा। निजामुद्दीन से मौलवियों की आने की सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की टीम उक्त घर में पहुंचे और सभी की स्वास्थ्य जांच की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुल 18 लोग इस घर में चोरी छिपे रह रहे हैं, जिसके बाद पुलिस वहां तुरंत पहुंची और सभी की जांच शुरू की। इस संबंध में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी डॉक्टर इकराम उल हक ने बताया कि सभी को होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। सभी के सैंपल लिए गए हैं। यह लोग निजामुद्दीन से रांची पहुंचे थे और रांची के बाद जमशेदपुर आए थे। शहर पहुंचने के बाद यह सभी एक मस्जिद में रहे थे। मस्जिद बंद होने के बाद यह लोग एक घर में शिफ्ट हो गए थे। बहुत समय लगेगा। यहाँ पर तो कुछ जमात के लोग ठहरे हुए थे जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे DSP साहब हैं और सदर DSP साहब हैं और हमारे बड़ा आजाद नगर के हैं और हमारे साथ खुश है। उन लोग क्वारंटाइन करने के बाद चल रही मेडिकल टीम यहाँ पहुँची हुई है। कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर कुल 18 लोग बताया जा रहा है। कहाँ से ये लोग आए हैं? ये आए थे पहले ये निजामुद्दीन से आए थे रांची, रांची फिर यहाँ आए हैं। यहाँ से किसी मस्जिद में थे, मस्जिद में लाकर ये लोग फैमिली में रखे हुए घर, घर में है, क्योंकि मस्जिद बंद हो गई थी तो उसको उठा के घर में रखे। किनका है घर? ये घर का पता नहीं, हमको नहीं चल रहा। इसको यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर या तो हाउस क्वारंटाइन किया जाएगा या तो फिर हटा के इसको आइसोलेट किया, यह अभी डिसीजन होने जा रहा है। और लॉकडाउन में सब्जियों की होम डिलीवरी का काम शुरू होने के बाद लोगों की परेशानी काफी हद तक कम हुई है। लोगों को अब बाजारों की ओर रुख करना नहीं पड़ रहा है। परसुड़ी कृषि बाजार समिति, जिला प्रशासन और ऑल सीजन फार्म फ्रेश के संयुक्त प्रयास से सभी के घरों तक किफायती दरों में सब्जियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ऑल सीजन फार्म फ्रेश के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले लोगों को हर तरह की हरी सब्जियां होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। अब फ्रांस, लंदन, अमेरिका के साथ साथ देश विदेश के अन्य जगहों में रहने वाले लोग जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले अपने परिजनों तक हरी सब्जियां पहुंचाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। फार्म फ्रेश के निदेशक अब्दुल हमीद ने बताया कि सब्जियों की डिमांड काफी बड़ी है। आलू प्याज से लेकर हर तरह की हरी सब्जियां लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर किए जा रहे इस व्यापार का उद्देश्य सभी को ताजा और हरी सब्जियां घरों में ही उपलब्ध करवाना है, ताकि कोई भी अपने घरों के बाहर न आए और सुरक्षित रहे। ऑल सीजन फार्म फ्रेश गत 3 साल से झारखंड में काम कर रहा है। हमारी कंपनी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, बट जब इस संकट की घड़ी में देश में खास करके हमारे राज्य झारखंड में, तो जिला प्रशासन के सपोर्ट से हमारे SDO साहब श्री चंदन कुमार जी ने और कृषि बाजार समिति ने एक पहल की कि हम जो लोग लॉकडाउन के टाइम पे, आप जानते हैं कोरोना बड़ी फास्ट फैलता है जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, तो उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोगों तक ये सुविधा पहुँचाए। साथ ही साथ जो हमारी कंपनी किसानों से जुड़ी हुई है, दूर से दूर के किसान अपने प्रोड्यूस यहाँ नहीं ला सकते, यातायात की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उनसे कांटेक्ट किया और वो भी चाहते हैं कि उनका प्रोड्यूस यहाँ पे पहुँचे। तो हमने एक जो वैल्यू चैन में जो मिसिंग लिंक था, जिला प्रशासन के सहयोग से और किसानों को जोड़कर
और लोगों को, क्योंकि कालाबाजारी रोकने के लिए, क्योंकि जो प्रोड्यूस के दाम आसमान छू रहे हैं मगर किसानों को इनका फायदा नहीं हो रहा है, तो हमने उस बीज की कड़ी को हटाते हुए ऑल सीजन फार्म फ्रेश जिला प्रशासन के सपोर्ट से किसानों को जोड़कर सही मूल्य में, उचित मूल्य में ये सामग्री लोगों के डोर तक पहुँचा रहा है। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, जब से हम लोगों ने चालू किया है लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और जिला प्रशासन की इस पहल से लोगों के अंदर बहुत खुशी है। वही मानगो के मदरसा दारुस सलाम में लगातार गरीब तबके के लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। झाबुमो के जिला उपाध्यक्ष मतलूब अनवर खान और उनकी टीम मानगो पुलिस के साथ मिलकर लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रही है। बुधवार को भोजन खाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मदरसा में पहुंचे, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पिछले 6 दिनों से लगातार मानगो, दाईगुटू और आसपास में रहने वाले गरीब लोग इस मदरसा में भोजन का लाभ उठा रहे हैं। समाज सेवा के तहत किए जा रहे इस कार्य की सराहना कांग्रेस नेता फिरोज खान ने भी की। मदरसा पहुंचे और उन्होंने बताया कि लोगों को आगे आकर इस संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मतलूब अनवर खान और उनकी टीम द्वारा की गई इस सराहनीय पहल के लिए उनकी प्रशंसा की। मदरसा दारुल सलाम में मतलूब भाई के तरफ से आज 6ठा दिन है, जो आजाद बस्ती क्षेत्र में चाहे दाईगुटू, संकोसाई, आपका जो और भी गरीब इलाका जितना उलूडी का है, इधर का सब लोग आके यहाँ खाना खाते हैं। जितने भी लोग आए, 100, 200, 500 जितने भी लोग आएंगे, उनका इंतजाम है खाने का। ये बहुत नेक काम है, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए और अनवारुल भाई इनका पूरा बढ़ चढ़ के साथ दे रहे, अनवारुल भाई भी इस संस्था में जुड़े हुए हैं, लोग अपना तरफ से बांट रहे हैं। उसे अगर विधायक सांसद बांटना शुरू कर देंगे तो शहर में जो महामारी फैल रहा है नहीं होगा। और ये कार्यक्रम लगातार जब तक लॉकडाउन है ये खाना खिलाने का काम चलता रहेगा। हम लोग कच्चा राशन भी बांट रहे हैं और साथ जो कच्चा राशन जिसके पास चूल्हा है गैस है वो जाकर कच्चा राशन बेचारा घर में बना रहा है, और जिसका चूल्हा गैस नहीं है उसको हम लोग पका के खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। उधर लॉकडाउन के दौरान 24 घंटे अपनी ड्यूटी में तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों को सीताराम देरा गुरुद्वारा के सदस्य सुबह और शाम चाय व बिस्कुट उपलब्ध करवा रहे हैं। शहर के अलग अलग चौक चौराहे पर तैनात होकर लोगों को घरों से नहीं निकलने की अपील करते हुए पुलिस वालों को कई सामाजिक संगठन खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी क्रम में सीताराम डेरा गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों ने अलग अलग स्थानों में कड़ी धूप में भी ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों के बीच चाय व बिस्कुट का वितरण किया। इस संबंध में सोनू सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मी लोगों के लिए ही ड्यूटी पर तैनात है, ऐसे में उनकी मदद करना हमारी प्राथमिकता है। और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में मैं सभी जमशेदपुर और झारखंड वासियों द्वारा के लड़के लोगों ने आपस में सब हम लोग एक सहयोग, हम लोग चाय और बिस्कुट का सहयोग, हर एक प्रशासन के जितने भी जहां भी चौक में प्रशासन के जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग खड़े हैं, उन लोगों को सुबह और शाम चाय और बिस्कुट का उन लोगों के लिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। और आपस में घूम घूम के सब हम लोग आपस में सहयोग करके सुबह शाम हम लोग रोज़ हम लोग बांट रहे हैं। आज कम से कम नहीं भी तो हम लोग का 9वां दिन है बांटते हैं। और हम सब भाई और बहनों से अनुरोध करेंगे कि प्रशासन को सपोर्ट करें और अपने अपने मुंह में मास्क लगा के और अपने घर में हाथ धो के घर में अपने घर में रहें। इधर आजाद नगर थाना अंतर्गत मुजाहिर अंसार मस्जिद में 10 बाहरी लोगों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार रात छापेमारी की। मस्जिद में पहुंचने के बाद टीम को स्थानीय एक युवक ने बरगलाया और वापस भेज दिया। कुछ दूर जाने के बाद टीम को सूचना मिली कि मस्जिद की छत पर कुछ लोग मौजूद हैं। इसके बाद टीम वापस आई और जांच पड़ताल की तो मस्जिद की छत पर 10 लोग बैठे हुए मिले। इस संबंध में दंडाधिकारी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि ये लोग बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं और विभिन्न जगहों पर घूमते हुए वह लोग 1 मार्च को शहर पहुंचे थे। कुछ दिनों से ये लोग मानगो में ही रुके थे, पिछले 2 दिनों से यह आजाद नगर के मस्जिद में रहे थे। दंडाधिकारी ने बताया कि पुलिस और जिला प्रशासन की टीम को बरगलाने वाले सोनू नामक युवक की तलाश की जा रही है। यही वाला गेट कहां से थे ये सब लोग? ये खगड़िया के रहना 10 थे। टेलको का थे ना? 8 बोल रहा हूं। दो साथ इसमें टेलको बाकी खगड़िया बोलिया दो भाई पर रहते थे। अभी तो मालूम हुआ कि लोगों माने जांच कर रहा है
तो लोग तो बिहार से निकल के कई दिन हो गए, तो लोग रांची या कहीं पे थे, अभी रास्ता में लोग को रोक। पहले तो हम लोग आए थे तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ जमात थी जरूर, लेकिन हम लोग यहाँ पर टेल को पहुँचा दिए, लेकिन दो मिनट हम लोग जब यहाँ से गाड़ी निकल गए कुछ दूर जाने के बाद में मुश्किल से 100 मीटर, तो वहाँ से पता चला थाना से नहीं, वहाँ पर लोग रुके हुए हैं और छत के ऊपर में है। फिर दोबारा हम लोग घूम का है और जब सर्च हम लोग किए तो ये बात सही साबित हुआ, छत के ऊपर हमको 10 आदमी मिला। क्या कर रहे थे ये लोग जब? और ये लोग बैठे हुए थे और डरे सहमे हुए थे, सब एक साथ थे। हाँ, सब एक साथ थे। अच्छा। और ये खगड़िया से आया हुआ है, इन तो पूछताछ के क्रम में पता चला कि 1 मार्च को ये जमशेदपुर के अंदर में अलग अलग मस्जिद में घूम घूम करके यहीं पर है, और यहाँ मार्गो थाना से शिफ्ट करके यहाँ पर आज़ाद नगर थाना, कौन सा मस्जिद है ये, पूरा पूरी झूठ बोला गया। और लोग थे झूठ बोलने में जी? कौन लोग थे? लोग सोनू नाम है ना? हाँ, सोनू नाम है। लड़के को हम लोग बुला रहे हैं, वो तब भी भागा हुआ है, और उसको हम लोग अपना ये करके उसके बाद उससे पूछताछ करेंगे क्यों ये झूठ बोला, क्यों सच्चाई को छिपाया गया, पूरा पूरी सच्चाई को छुपाया गया। हाँ। मस्जिद कमेटी के लोगों से मिले थे? मस्जिद कमेटी के लोग मिले और आए भी अभी, तो लोगों ने क्या कहा? वो लोगों ने बोला उसी लड़के को दोषी ठहराया, वो गलत बोला है, हम लोग भी बरगलाया और ये गलत हुआ है। वो लड़का कौन था? वो सोनू यही का मेंबर था। वो वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे, आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997377-0707। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच तमाम समाज सेवियों, स्वयंसेवी संस्था, पुलिस प्रशासन तथा कई लोगों के द्वारा निजी तौर पर गरीबों की सेवा की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के IT सेल के द्वारा रोजाना 1000 से अधिक लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। इनके द्वारा इसके लिए एक निर्धारित स्थान चिन्हित किया गया है, जहां सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए टेबल लगाकर लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने मानगो क्षेत्र के तमाम समाज के अध्यक्ष को सूचना दी है और रोजाना यहां सुबह का नाश्ता एवं दोपहर के समय भोजन गरीबों को करवाया जा रहा है। इनके अनुसार जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक ये सेवा चलती रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री IT सेल बन्ना गुप्ता जो इसे भोजन की व्यवस्था किया गया है, IT सेल के द्वारा किया गया है, और सारे कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं और पर डे हम लोग 1000 आदमी को खाना खिलाने का लक्ष्य रखे हुए हैं। जमशेदपुर का किसी भी कोना के हैं वो आए और खाना खाएं और जाएं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सब कुछ फ्री है। यहाँ पर हम लोग सुबह नाश्ता करवा देते हैं और फिर से दोपहर में जितने लोग खाएंगे 5-6 बजे तक चलता है। जिनको जरूरत होता है ले जाना घर, उनको भी हम लोग दे देते हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग इसको चलाएंगे। यहाँ पार्टी हो गया, मारपीट फोरम का पीछे हो गया, कुमर बस्ती हो गया, लिमना बस्ती हो गया, 15 नंबर पानी टंकी के पीछे जो है उधर से, जिस एरिया का जो लोग हेड हैं, मुखिया टाइप के जो हैं, चाहे जो वहाँ का अध्यक्ष हैं बस्ती का, उन लोगों को बोल दिया कि जो लोग जरूरतमंद हैं उन लोगों को भेज दीजिए, वो लोग भेज देते हैं।
साथ ही आपको बता दें जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर में मौजूद सीआरपीएफ 157 बटालियन के द्वारा आदित्यपुर इलाके के तमाम गरीब मजदूरों के बीच राशन सामग्री तथा मास्क का वितरण किया गया ताकि किसी गरीब को लॉकडाउन के दौरान राशन की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गौरतलब हो कि इससे पूर्व देश भर के सीआरपीएफ जवानों ने अपने एक दिन के सैलरी प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना के बचाव हेतु जमा करवाया था और अब 157 बटालियन के जवानों ने क्षेत्र के मजदूर वर्ग के लोगों तक राशन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसके द्वारा एक शिविर लगाकर सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए यहाँ राशन की सामग्री तथा मास्क का वितरण किया गया, साथ ही आगे तमाम जरूरतों को पूरा करने का भरोसा इन्होंने क्षेत्र के निवासियों को दिया है। हम सीआरपीएफ वाले पहले तो हम लोगों ने अपनी एक दिन की सैलरी प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाया है। उसके अलावा हम सभी जो 157 वाहिनी के जो जवान हैं उनके सहयोग से जो आदित्यपुर जो शहर है उसमें जो गरीब लोग हैं, गरीब में भी वो अत्यंत गरीब लोग जिन्हें सच में इस लॉकडाउन के दौरान खाने की सामग्रियों का दिक्कत है, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, उन गरीबों को हमने ढूंढा और उन्हें राहत सामग्री तथा मास्क का वितरण किया ताकि वो कुछ दिनों के लिए इसको वो कर सकें। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी कोशिश करा सिविल अथॉरिटी से मिलकर कि जब भी इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी, जैसे मास्क की जरूरत, सैनिटाइजर की जरूरत, राशन की जरूरत या मेडिकल जो भी असिस्ट की जरूरत हो या फिर गाड़ियों की पानी की जरूरत, वो समय समय पर हम इन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और वैश्विक महामारी कोरोना का असर त्योहारों पर भी पड़ने लगा है। रामनवमी के मद्देनजर झंडा बाजारों में उपलब्ध है लेकिन इन्हें खरीदने वाले ग्राहक काफी कम है। हालांकि लॉकडाउन के तहत लोग बाहर कम ही निकले तो ज्यादा बेहतर है। वैसे लॉकडाउन के तहत इस बार तमाम अखाड़ा समितियों ने पूर्व में ही झंडा जुलूस न निकालने का फैसला ले लिया था और पूजा को भी काफी छोटा रूप में संपन्न करवाया जा रहा है। वैसे रामनवमी के मद्देनजर बाजारों में झंडा उपलब्ध है लेकिन इसे खरीदने के लिए काफी कम ही ग्राहक हैं। वैसे नियमों के तहत इस वैश्विक महामारी को दूर रखने के लिए ये भी जरूरी है कि लोग अत्यंत आवश्यक कार्य को छोड़कर घर से बाहर न निकले। आज हम झंडा करीब 15 साल हो गया। हाँ असर पड़ा है, विपरीत काम है, पहले से अभी बहुत बहुत कम है। पूरा आदमी को मेल नहीं मिल रहा, कहीं बांस है तो झंडा नहीं है, झंडा तो बांस नहीं है, इस तरह का परेशानी है आदमी को। बहुत सारा सामान पूजा का जितना आइटम होता उतना आदमी को मिल नहीं पा रहा, इस कारण से बिक्री में कमी है। आदमी सम्मान का व्यवस्था कर पा रहा है, वही पूजा करने का समर्थ रखता है, नहीं तो पूरा पूजा का सम्मान नहीं होने से पूजा करने में थोड़ा असमर्थ होता है। और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर एमजीएम को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान अस्पताल के कई कर्मचारी मौजूद रहे। भालुवासा जम्बू अखाड़ा की तरफ से तैयार किए गए विशाल सैनिटाइजर मशीन से अस्पताल के विभिन्न वार्ड में विशेष रसायन घोल का छिड़काव किया गया। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजनों ने इसे देखकर राहत की सांस ली। सभी का कहना था कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच अस्पताल को सैनिटाइज किया जाना एक अच्छी पहल है। इधर अस्पताल में रोजाना लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग हल्की सर्दी खांसी होने पर भी संक्रमित होने का खतरा समझकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन रहने का स्वास्थ्य विभाग ने दिया आदेश। रांची में पॉजिटिव केस आने के बाद मचा हड़कंप। लॉकडाउन में सब्जियों की हो रही होम डिलीवरी, ऑल सीजन फार्म फ्रेश को विदेश से भी आ रहे कॉल।
सप्ताह का असर, रामनवमी के झंडों की बिक्री में आई भारी कमी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की बुलेटिन को इजाजत। नमस्कार।